उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य कक्ष के बाहर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मेडिकल कॉलेज की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करने के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्नाटक ने कहा कि आज यहां की स्थिति ये है कि यहां के कर्मचारी जिन्होंने कोविड काल में अपनी जिंदगी की परवाह न कर आम जनमानस की सेवा की उनके पद तक सृजित नहीं किए गए हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर उपरोक्त समस्याओं का निराकरण होता है तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा। देखिए, मेडिकल कॉलेज में हमारे कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांगे हैं, जो लंबे समय से आंदोलनरत है, उनके पद अभी तक उनके पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं। साथ ही सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, हमारे यहाँ ना न्यूरो सर्जन है, ना हमारे यहाँ ब्लड बैंक है, ना हमारे यहाँ डायलिसिस हो रही है, ना हमारे यहाँ गायनी के ऑपरेशन हो रहे हैं, ना हमारे यहाँ ऑर्थो के ऑपरेशन हो रहे हैं, ना हमारे यहाँ इमरजेंसी ओपीडी है। तो आज तो स्थिति यह है कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज केवल एक रेफरल सेंटर बन के रह गया है और जो अपने अस्तित्व के साथ संघर्ष कर रहा है। प्रातः काल से रात्रि तक यहाँ केवल लोगों को रेफर किया जा रहा है, ना NICU की संख्या कम, ICU की संख्या कम, डॉक्टर्स केवल उन्हें प्राथमिक उपचार देने के साथ तत्काल प्रभाव से बाहर भेज दे रहे हैं, ना हमारे पास एम्बुलेंस है। ये राज्य बनने के बाद, इससे पहले उत्तर प्रदेश में जब हम थे तब स्थिति ज्यादा बेहतर थी स्वास्थ्य की, और राज्य बनने के बाद मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद इस अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में तो केवल ये लग रहा है कि एक दिखावे के लिए एक सफेद हाथी बना के तैयार कर दिया गया है। बिल्डिंग पूरी हो गई है क्योंकि मलबे में हलवा मिल रहा है, और उसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई भी लाभ इस पर्वतीय क्षेत्र के पर्वतीय जनपदों के लोगों को नहीं मिल पा रहा है।